पंजाब सरकार करतारपुर कॉरिडोर तक मुफ्त बस सेवा शुरू करेगी। इसका ऐलान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किया। मुख्यमंत्री चन्नी गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में माथा टेक कर लौट आए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गुरुवार को श्री करतारपुर साहिब में मत्था टेक कर अपने मंत्रियों के साथ लौट आए हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा वो सभी को पहली पाताशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बधाई देते हैं। वो गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन कर लौटे हैं और दर्शन से उन्हें बहुत सुकून मिला है। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण हुआ, जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापण सोआ। अज ऐसी पंजाब सरकार वालों गुरु घर करतारपुर साहब गुरु दे दर ते चले हैं, लांघा खुलिया है, गुरु साहब का जन्मदिन भी है। मैं समूह संगतां नूं गुरु साहब के जन्मदिन दीआं बधाईआं दिंदा ते नाल नाल बहुत बहुत मुबारकबाद कि जो साडियां अरदासां सीगियां उह पूरियां होईआं, लांघा दुआरे तो खुलिया। इहदे लई मैं प्रधानमंत्री जी का ते होम मिनिस्टर साहब का भी धन्नवाद करदा कि उन्होंने पंजाब सरकार की डिमांड ते यह पूरी की है। तो सिख संगतां नूं फिर तो मौका मिलिया, जिहड़े जिहड़े गुरु नानक नाम लेवा है या हिंदुस्तान चों जिहड़े लोग जाना चाहते हैं उन्हां नूं मौका मिलिया है कि वह गुरु घर जाके आशीर्वाद प्राप्त कर सकन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। सीएम ने कहा कि पाकिस्तान स्थित श्री करतारपुर साहिब की संगत और लोगों ने उन्हें काफी प्यार दिया। राज्य सरकार जल्द ही राज्य भर से मुफ्त बसें शुरू करेगी ताकि तीर्थयात्री इस पवित्र स्थान पर दर्शन कर सकें। ये बसें श्री करतारपुर साहिब जाने की अनुमति प्राप्त तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कॉरिडोर तक चलेंगी। इस मौके पर सीएम चन्नी ने कहा वो दोनों देशों की सरकारों से अपील करते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए वीजा की प्रक्रिया को बहुत छोटा और सरल किया जाए। उन्होंने कहा वो दोनों देशों की सरकारों से व्यापार शुरू करने का निवेदन करते हैं और साथ ही सीएम चन्नी ने कहा ये क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति देने के अलावा दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। प्रदीप कुमार, टोटल टीवी, दिल्ली।